दस रमदारमबारक सैदात नसाईल आलमीन हज़रत सैद खदीजतक़ब्र रदील तह जो रसोकर्रीम सल्ह वल् की अजवाज मतहरात में से सबसे पहली जो जाए मतहरा हैंजरत सैदा खदीजतक़्र रदील तह आप के साथ रसुल करम सल्ला वल्लम को बेपना महब्बत थी कि दुनिया से जाने के बाद भी सैद आखदीजतुल्कब्रा रदी अल्लाह तह जब दुनिया से तशरीफ़ ले गई तो उसके बाद भी जो है वो रसुलकरम सलील वसम आपका जिक्र ख़ैर किया करते थे मुख्तलफ़ अहदीस सैद आदि रदी अल्लाह तह के लिहाज से इमाम बुखारी रही तभी जिक्र की हैं वो मैं मुख्तर से टाइम आपके सामने पेश करता हूँ तो आज हम सैद आखदीजतुल्कब्रा रदी अल्लाह तह की बारगाह में आपको को खराज तसिन पेश करने के लिए हाज़िर हैं और फ्यूज़ वरक़ात के लिहाज से अल्लाह तबारक व की में मिल्त करते हैं कि अल्लाह तबारक वाली आपके फ्यूज़ वरक़ात से हमें भी मुस्तफ़ी फरमाए सैयद आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तह इम बुखारी रहमत आल बाप बंधा बाब उ तजवीजुलनबी नबी यदी जाता वफ़लह रदी अल्लाह तह ये बाप बंदा इसकी हदीस नंबर तीन हज़ार आठ सौ अठारह नंबर हदीस है जिसमें सैदा सदी रज़ी तहा आप फरमाती हैं कि मागिर तो अलाद नसाबी सल्ला वसम के किसी पर भी रसुलकरम सतें थीं जो, थी, जो आपकी अजवाज थी अजवाज, अजवाज मतःारात उनमें से मुझे किसी पर इतना रश्क नहीं आता था जितना रश्क मुझे हज़रत सदा ख़दीजतुलकब्रा रज़ील तहा पर आता था वजह क्या थी वाराई तो कहती है मैंने उनको देखा नहीं था वलाकिन कान नबी सुरु जिक्रहा रसुल करम सल्ला वसम आपका कसरत के साथ ज़िक्र किया करते थे यानी आपको कसरत के साथ याद करते थे बहुत ज़्यादा हजत सदरीजतलकुब्रा ऱील को याद किया करते थे वर रुबामा शात तो इमाम बुखारी रहमत फ़रमाते हैं कि हजतः सदीका ऱी अल्ला फ हैं कि जब भी आप बकरी जबा करते यु कत्यूह आदा तो आप उसके हिस्से करते या आ फ़ी सदा इक खदीजा तो आप उनको उन हिस्सों को सैयदा सयदा खदीजतुलकुब्रा रदी अल्ला की जो सहेलियाँ थीं उनको भेजा करते थे फ़रुब बमा कुल तो कभी कभी फरमाती हैं कि मैं ऐसा भी कह दिया करती थी किन्नाकनफुनियामरात खदीजा क्या दुनिया में हज़रत सईदा खदीजा रदी अल्लाह ताल के अलावा कोई और, औरत नहीं है क्या आप उनका इतना ज़्यादा जिक्र करते हैं इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं फैक़ुल इनह कानत वकानत वकान अली मिनहा वालत तो रसुलकरम स फरमाया करते थे कि वो आ, यानी मुझे याद है यानि वो ऐसी ही थी कि उनको याद रखा जाए वो ऐसी ही हैं कि उनको याद रखा जाए वकान अली मिनदत और अल्लाह तुबारक वाली ने उन से मुझे औलादता फ़रमाई इसी तरह तीन हज़ार आठ सौ बीस नंबर रिवायत इमाम बुखारी लेके आए हैं आप फरमाते हैं ताला है कि हज़त बुहारा रदी अल्लाह तु से रिवायत है कि अता जब जबरीलनबी सल्लम के रसुलकरम सल्ला के पास हज़रत जबरीलम हाज़िर हुए फ़कअ या रसूल सल्लाम तो आपने अर्ज़ किया या रसूल्लासम उस वक़्त हजर ख़दीजतुल्कब्रा रदी तहा रसोल करीम सल्ला वसम के लिए जिस तरह जो जोजा होती हैं वो खाना लेके आती हैं तो वो किसी बर्तन के अंदर ट्रे के अंदर जिस तरह होता है बड़ा बर्तन हो तो उसके अंदर खाना होता है उसके अंदर सालन होता है पानी होता है रोटी होती है तो इस तरह की चीज़ें होती हैं तो इस तरह आप आ रही थी तो जब्राइल सलाम ने यर्स किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अल्लासम हाजही खदीजा कत आतत हज़रत खदीजा तुलकुब्रा रदी अल्लाह आ रही हैं ये खदीजा हैं ये आ रही हैं माहा इना उनफ़ी ही इदाम तामराबन इनके पास यानि बर्तन में खाना है या पानी है यानि वो ले के आ रही हैं बर्तन तो फ़ादा या अतत का फक्र फ़ख्र आसलाम मबी हा वम्नी तो जब वो आ जाए तो उनको ये फरमाइए कि अल्लाह तबारक व ताली भी उनको सलाम कह रहा है और मैं जबरील भी उनको सलाम कह रहा हूँ यानि आप उनको अल्लाह का भी सलाम दीजिए और जबरील का भी सलाम दीजिए बशर हा बिबई तिन फिलजन्न मिन कसबिन ला सखब फ़ी वला नसब और उनको ये खुशखबरी दे दीजिए कि फिल जन्नत मिन कसब के मोतियों का घर उनके लिए जन्नत में बनाया गया है ला सखब फ़ी वला नसब जिसके अंदर कोई शोर नहीं कोई तकलीफ़ नहीं अल्लाह तबारक वाली ने एक मोतियों का महल जन्नत में उनके लिए तैयार कर रखा है हदीस नंबर तीन हजार आठ सौ इक्कीस है ये बुखारी शरीफ की हदीस है अब देखिए कि कितनी मोहब्बत थी सैदा खदीजतलकब्रा रदी तहा से रसूल करीम सल्वलम को कि हज़त इशदीका रदी अल्लाह आ फरमाती हैं कि एक मरतबा सदा खदीजतलकब्रा रजी अल्लाह तह दुनिया से तशरीफ़ ले गई उनको जो है वो काफ़ी वक्त गुजर चुका था तो फरमाती हैं कि इसत हतु बिन तो ख्वालत के हजरत हाल ये हज़त सैद खदीजतुलकब्रा रदी अल्लाह तहा कि जो हैं वो बहन थी वो उन्होंने इजाज़त चाहिए उख्त खदीजा हज़त खदीजा रदी अल्लाह की बहन थी उन्होंने इजाज़त चाहिए आला रसूल अल्ही वसम यानी वो घर तशरीफ़ लाई होंगी तो उन्होंने इजाज़त चाहिए तो फ़ारफ़ा इस न ख़दीजा तरत तो फ़ौरन रसूल अकरम सल वसम ने यह समझा कि शायद हज़ते सदा खदीजतुल्कब्रा रदी अल्लाह तहा वो आ गई हैं तो रसुलकरम सनी फ़रता का वैसलूगत में मतलब होता है घबरा जाना चौंक जाना तो इस तरह का मामला हुआ कि रसुल करम सल्ला वसम फ़ौर उठ के बैठे होंगे इस तरह का मामला कि महब्बत से इदाखदी दाखदी जदल्कुब्रा रदी अल्लाह त से तो फ़ौर मुतवज़े हुए तो फ़काल अल्ला तो रसूल करम सल्ला वल्ल फरमायाल् ये तो हाल है ए मेरे रब ये तो हाल है क़ालत हज़त ऐसा कहती हैं फ़िर तो मुझे बड़ा रश्क आया फ़कुल तू मा तज़ करूँ मैंने ये रसुल करम सल्ला वसलम से अर्ज़ किया कि माँ तज करु मिन आज इन मिन आजाइज क़्रैश आप जो क्रैश की उम्र रसीदा औरत हैं आप उनको इतना याद करते हैं हमराइश शद क़ैन यानी जिनके दो दोनों रु, रुखसार जो थे वो लाल थे सुर्ख रुखसारों वाली जो बहुत ज़्यादा उम्र रसीदा औरत हैं क्रैश की आप उनको बहुत याद करते हैं हलकत फित हालाँकि उनको दुनिया से गए हुए तो बहुत अरसा गुजर चुका, चुका है एक ज़माना गुजर चुका है क़द अब दलाकल्खैरमिनला तबारक तआला ने उनसे बेहतर नेमुल बदल आपको अता फ़रमाया है उनसे बेहतर आपको अता फ़रमाया फिर भी आप उनको बहुत ज़्यादा याद करते हैं ये बुखारी शरीफ के अंदर लिखा और इससे अगली रिवायात भी मौजूद हैं वो मैं आपको ये सैर आलाम मबला से आपको ये सुनाता हूँ कि ए, दूसरी जगह पर सदी का रदी अल्लाह ने जब इस तरह कहा तो अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया सियरु आलाम मनुबाल में, में। सफ़र नंबर तीन सौ पर यह रिवायत मौजूद है शाबी से और वो मसरूक से आयशा सदीका से कहते हैं रिवायत करते हैं कि हजत सदीक रदी अल्लाह तह फरमाती हैं अदा कर रसूल सल वस खदीजा रसूल अक्रम सल्ल व सैद खदीजा रदी अल्लाह तह का जिक्र किया करते और बहुत ज़्यादा जिक्र करते फ़कुल तो आज आजूज। आज़ उन क़ा व कदा वही रवायत कि मैंने ये कहा कि आप इतनी उम्र रसीदा औरत का इतना ज़्यादा जिक्र क्यों करते हैं ख़त अब दलाक भी खिर मन अल्लाह ने आपको उनसे बेहतर नयुलब बदल अता फरमाए यानी आपको दूसरी औरतें अता फरमाई हैं उम्र में भी कम हैं और दूसरे अतबार से खूबसूरती भी है तो वो सारे लिहाज से रब्लत ने आपको नबदल अता फरमाया है तो रसुल करम सल फरमाए माँ अब दला खिर मिना अल्ला तबारक व तला ने उन जैसा मुझे अता नहीं फरमाया यानी वो बेहतर थी ल़त आमत बी ही न काफ़रन्नास के जब लोगों ने किस तरह हो सकता है कि उनका नेमुल बदल कोई बन सके बल्कि ये माना करेंगे कि किस तरह हो सकता है कि उनका नेमुल बदल कोई बन सके ल़त आमनत बी ही न काफ़रन्नास के वो उस वक्त मुझ पर ईमान लाई जब लोगों ने इनकार किया और उस वक्त उन्होंने मेरा इकरार किया व अशरक़तनी फ़ी मालिया ही ना हरामस हारा मनन्नास का माना यह हर हा, मनन्नान्नान्नान्नान्नास लोगों का महरूम करना जब यह रसोकरम सल्ला वसम के लिए हो तो फिर माना यह कि लोग महरूम रहे रसुलकरम को अपना माल देने से तो फरमाया लोग महरूम रहे कि मुझे माल देते वह अशर कतनी फ़ी माल और सैद आखदीजाकुब्रा रज़ील तह ने अपने माल से जो है वो मदद की वह राजा कान वालाद और अल्लाह तबारक व ताली ने मुझे उनसे औलादता फ़रमाई वारा मानी वालदा गैरी हा उनके अलावा से अल्लाह तबारक व ताली ने मुझे यानी दूसरी अजवाज जो इससे महरूम रहीं कि उनको अल्लाह तबारक व ताली ओलाद फ़रमाता मेरे वसीले से कुल्तू वल्ल लातिब ला कफ़फ़ी बादल यौम अलता शी का कहती हैं उसके बाद मैंने रसुलकरम सल्लाम को उस दिन के बाद ऐसा नहीं कहा मैंने कहा कि आज के बाद मैं आपको इस तरह नहीं कहूँगी हजत शस्दीका रदी अल्लाह तो रिवायत है कहती हैं खाला रसूल सल्ला खातीजा के रसुलकरम सल्स हजतः खदीजा रदी अल्लाह त जब जिक्र करते थे तो आप लह यकत यस अमू बिन आलिया तो आप उनकी तारीफ से रखा नहीं करते थे यानी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे वस्त लहा और उनके लिए बहुत ज़्यादा बख्शिश की दुआ किया करते थे इस्तफ़ार तो फ़जा करा यौमन एक दिन आपने ज़िक्र किया फ़ाहामिल गिर तो मुझ पर गैरत आई फ़कुल तो मैंने कह दिया लक़द अउा कल्ला कबीरतिसन के आपको अल्लाह तबारक व ने आपको यानी आप इतना ज़्यादा जिक्र करते हैं फिर यही लफ्स मैंने बोले कि वह उम्र रसीदा औरत हैं आप इतना ज़्यादा उनका जिक्र क्यों करते हैं का फ़रा तो गादी बान तो रसुल करम सल्हस आप के चेहरे अनवर पर जलाल आया कुल तुफ़ी नफसी मैंने अपने दिल में कहा अल्लाह इन अजहब तादा बसूल का अन्य एल्ला अगर आज रसुल करम सल्ला वसलम के इस जलाल मुबारक को तो ले जाए तो लम आऊद अज करूह बसू इन तो आज के बाद मैं इस तरह का जिक्र हरत सैद अखदीजत रदी अल्लाह त बारे में नहीं करूँगी फलम मारा अन नबी वसलम तो काल्क़कुली तो जब सरकार ने मेरी ये हालत देखी तो फरमाए तुम ये कैसे कहती हो वाह लक़द आमनत बी इज़ कद जबान्नास वो मुझ पर उस वक्त ईमान लाई जब लोगों ने मुझे झुठलाया व आवनी इज़ रौफ़ान्नास और उस वक्त लोगों ने जब मुझे छोड़ दिया यानी लोग मुझे माल देने से महरूम रहे उस वक्त उन्होंने माल के साथ जो है वो मदद की व रजिक तो मिनह और अल्लाह तबारक तौ ने उन से मुझे जो है वो अता फरमाई व्ररम तुमनी और दूसरों के लिहाज यानी दूसरे महरूम रहे इस जो है वो बरकत से कलत फ़गद वराबिहा शाहरन हजतः का रदी अल्ला कहती हैं कि मैंने ये जो कहा था उसके बाद एक महीने तक रसोल करम सल्ला वसलम की यही कैफियत रही यानी इतनी मोहब्बत सैदा खदीजतलक़ब्रा रदी अल्लाह ते रसोल करम सल वसम फ़रमाया करते थे इमाम जहाखाफ अउलाद मिन अलिम व तय्यब व तााहिर आप से जो है वह तीन साहब ज़्यादे हुए हजरत कासिम तयब और ताहिर और फिर हज़रत मारिया किबतिया रदी अल्लाह ता आपके लिहाज से भी रिवायत में मिलता है कि हज़रत इब्राहीम आपके साहबजादे हुए और बाक़ी रिवायत यानी मुख्तलिफ़ मिलती हैं तो ज़्यादा रिवायात जो जमहूर के लिहाज से वो ये हैं कि तीन साहबजादे थे मातु उदाह रज़ात यानी छोटी उम्र में दूध पीने वाली जो उम्र होती है उसमें ही आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए तीनों साहबजादे व रुक़ैया व ज़ैनब व उमू कुल्फ़ूम व फ़ातिमा हज़ ये चार साहबज़ादियाँ हज़रत सैदा रुक़ सैदा ज़ैनब सैदा उम्म कुलसफ़ूम और सैदा फ़ातिमा तजहरा रदील तन्ना ये जो ज़ै साहबज़ादियाँ रसूकरम सलील्हलम की सैदा अखदीजतुलकुबरा रदी अल्लु ता से हुई तो सरकार इनके बारे में अली फरमाते हैं कि रसूल रसुलकरम सलीसम से मैंने सुना सरकार ये फरमा रहे थे खैरुनस्सा यह खदी जातु बिन तो ख्वालत के औरतों में से अपने ज़माने में सबसे बेहतर सैदा खदीजतलकब्रा रदी अल्लाह तह हैं वनसा यहा मरियम बिन तोमरान और अपने ज़माने में हज़रत मरीम बिन तमरान ये सबसे ज़्यादा बेहतर हैं इसी तरह मुख्त रवायात मिलती हैं हजर सैदा फातिमा तजारा रदी अल्लाह तह के लिए भी और हजरत सैदा खदीजतलकुब्रा रदी अल्लाह तह के लिए भी ये रिवायात मिलती हैं इसी तरह मैं आखिर के अंदर ये पेश करूँ कि अबू दाउशरीफ़ के अंदर भी और दूसरी तरफ मुसनिद अहमद के अंदर भी रिवायत मौजूद है कि हज़त सैद आकदीजतुलकब्रा रदी अल्ला त ने जो हार दिया था आजत सैदा ज़ैनब को जहेज़ में तो जब उनके शोहर अब उलास कैदी बनाकर लाए गए तो उस वक्त रसुलकरम सल्ला वसम की तरफ से जब उनके फदिए के लिहाज से कुछ चीज़ें भेजी गई तो हार सैद अखदीजतकब्रा रदी अल्लाह तक का भेजा गया तो सैद अखदीजतक़ब्रा रदी तक वो हार देख कर रसुल करम सल्ला वसलम आपकी आंखें भहर आईं और आप पर एक कैफियत तारी हुई गम की और रसुल करम सलील्ला वल्लम ने उस वक्त अब उलाज से यह अहद लिया कि ठीक है हम तुम्हें छोड़ देते हैं और आपका माल भी साथ भेज देते हैं लेकिन आप ये वादा करो कि सयद जैनब को आप भेजोगे तो ये रिवायत भी अबू दाऊद शरीफ के अंदर और मुसनद अहमद वग़ैरह इन किताबों के अंदर मौजूद है तो ये सईद अखदीजतुल्कब्रा रदी अल्लाह त और भी रिवायत मौजूद हैं इन्हीं से ही अंदाज़ा होता है कि सैद अखदीजतुल्कब्रा रदी अल्लाह तौ के साथ किस कदर मोहब्बत रसूल अलैहि वसल्लम किया करते थे और ऐसी ज़ात है आपकी कि सबसे पहले ईमान लाएं क्योंकि सबसे पहले आके जो गार वाला वाक़ था गार हरा वाला वो इन्हीं को बताया तो यही आप पर इन्होंने तस्दीक की फिर नमाज़ों में भी सबसे पहले यही शरीक रहीं और इसी तरह बाज़ में यह है कि आ, यानी नमाज जो बायदा फ़र्ज हुई वो तो आपके बाद हुई जो कि रवायात के अंदर मिलता है लेकिन पहले जो इबादत में शरीक होती थी रसुलकरम सल वसम के साथ व सैद आखदी जतरा रदी अल्लाह तहाबी थी और अल्लाह इज़्ज़त की तरफ से ऐसा इनाम मिला कि आपको अल्लाह ने भी सलाम भेजा ज़िब्रील अलैहि सलाम ने भी सलाम भेजा और अल्लाह की तरफ से जिसको खुद सलाम आए उस हस्ती का मकाम कितना बुलंद हो सकता है फिर रसोल करम सल्ला वल्म सारी ज़िंदगी जिनसे महब्बत करते रहें और सिर्फ़ उनसे नहीं बल्कि उनके साथ तल्ल रखने वाली जो उनकी सहेलियाँ थी उनको भी रसुल करम सल्ला वसम याद रखते थे और उनको भी जब कोई तब्रक भेजना होता तो उनको भी भेजा करते थे तो अल्ला तबारक व ताली आपकी फ्यूज़ वर्कात से हमें भी हिस्सा ता फ़रमाए अल्लाह तबारक वाल सबका नासिर हो व आखिर दावा रब्बिल आलमीन